वी फाउंड अ कोविड-19 पेशेंट इन आर सराउंडिंग्स. लाइक ये पीछे का जो थोड़ा मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में. ओके सो हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय गाइस. हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो दिस इज अ व्लॉग 24 25, आई डोंट नो, बट टुडेज डेट इज, आई डोंट नो व्हाट इज द डेट, बट टुडे इज फ्राइडे एंड आई वॉज सपोज टू अपलोड माई व्लॉग टूडे, बट थिंग्स केम अप. ओके सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डिस्कस द टॉपिक. एज द टॉपिक ऑफ द व्लॉग स्टेट्स दैट आई फाउंड अ कोविड पेशेंट इन माई सोसाइटी, इन माई सराउंडिंग्स, एंड बाई सराउंडिंग्स आई मीन लेट्स चेंज दिस लोकेशन, लेट्स गो अप. या सो लेट्स गो अप स्टेयर्स, छत पे करते हैं. स्टूल. ओके सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, लाइक वी फाउंड अ कोविड-19 पेशेंट इन आर सराउंडिंग्स. लाइक ये पीछे का जो थोड़ा मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, देर पीछे का दो तीन गली, एक गली पीछे वी फाउंड अ कोविड-19 पेशेंट. देर होल फैमिली वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, प्लस उनका एक डॉक्टर था उनको भी ले लिया अभी सर्वेलेंस में. दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा सिचुएशन है घर पे, लाइक एवरीथिंग इज प्रॉपर लॉकडाउन. टिल नाउ इट वॉज लाइक थोड़ा दूर था, बट वी स्टिल यूज सम प्रिकॉशंस. दैट इज द रीजन वाई आई वॉज अनेबल टू ब्लॉग, लाइक घर पे थोड़ा सा काम रहता था, प्लस मेडिसिन वगैरह ला के रख दिया. वी वर आउट ऑफ सैनिटाइजर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड स्टफ, सो वी कलेक्टेड इट अप. एंड एक बार ही ताला लगा लिया तो अभी खोलने का कोई सीन नहीं है. दैट इज द रीजन वाई थोड़ा सा बिजी था एंड अपलोड नहीं हो पाया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या कोप अप विद इट. ऑल्सो गाइज आई एम रियली सॉरी अबाउट द सेम लोकेशन, वही लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ. मुझे भी पता है सब पागल हो गया, लेकिन द थिंग इज कि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं. आई एम रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन. मैं घर पे नीचे शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि माई लिटिल ब्रदर इज स्टडिंग ऑल डे, प्लस घर में लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है. सो यहाँ पे कैसा इवनिंग टाइम पे सन इज एग्जैक्टली ऑन माई अपोजिट साइड, आई एम फेसिंग वेस्ट राइट नाउ. सो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छा आता है एंड या आई कैन टॉक क्लीन. I am wearing a terrific outfit today. Blue cap, blue shades, blue top, because applying the law of conservation of energy from flying beast, ki jo bhi pehle mile wo pehen lo. So like abhi thodi der pehle we got back from our farm. Abhi thoda kheti ka kaam shuru hai, and as I told in my earlier vlogs that farming ka kaam shuru kar diya yahan pe, because that counts as an essential thing like food. I came home, full day hectic work, took a shower and jo bhi kapda mila wo pehen ke aa gaya. And the time is 7 right now and it is still this much late. Like aaj ki dhoop, I'm telling you it was 44 45 degrees something, and bhai sahab pura din dhoop mein tha, pura din, like khet mein kya hi rahega na waise bhi. So just a fun thing to do in my vlogs, like so the next clip you are about to see is me impersonating myself as my dad, so I hope you guys like it. Dosto aavele स्वयंपाक काय बनवू संध्याकाळी? सध्या तरी भूक नाही आहे, जाऊ दे मी जेवत नाही, तरी थोडस करून घे. भारती मी काय म्हणतो, ग्रिल खूपच खराब दिसून राहिली, पांढरा कलर करून टाको. उद्या सकाळी उठून मी करून टाकतो पांढरा कलर. सकाळी आठवण दे फक्त, एक ग्लास पाणी दे बर, दूध दे, बिस्किट दे, अरे 7:30 वाजले ड्रॉप टाकून दे. काय करणार संध्याकाळी स्वयंपाक? ऑलराइट, सो आई थिंक यू गाइज एंजॉयड इट. बस आज के लिए इतना ही, और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग अंदाज में एंड करते हैं. सो शुक्रिया देवी और सज्जन, आपने मेरा व्लॉग देखा है एंड मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा व्लॉग एंड तक के देखते हो. बट यार सब्सक्राइब करके जाना,
So, आगे का चीज कॉस्टिंग कंटिन्यू करेगा. So, that is it for today, guys. Make sure you like and subscribe, follow me on Instagram. Also, comment down below which you think was the best part of the video. And please go like, share and subscribe. Subscribe करना मत भूलना. There are almost 42% of you guys who haven't subscribed to my channel yet. So go subscribe. लाल बटन है. Click मारो मारो उसपे. Do anything. Just hit that subscribe button. And yeah, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. And लेकिन मोस्टली दिस ब्लॉग विल बी अपलोडेड ऑन मंडे. सो ईद मुबारक टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स. हैव अ ग्रेट ईद. अच्छे से सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो. चांद नजर आया. सो आई विल